दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ रॉयल पाम, या फिर जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बॉटल पाम भी बोल देते हैं, उसको किस तरह से एक जगह से दूसरे जगह हम आसानी से शिफ्ट कर सकें, इस पर आज का पूरा वीडियो है, साथ साथ जानकारी भी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानकारी देना शुरू करता हूँ। देखिए, ये जो रॉयल पाम है ये नेटिव टू मेक्सिको है। इसको फ्लोरिडा और क्यूबा भी रॉयल पाम भी कहा जाता है। ये एक लार्ज अट्रैक्टिव प्लांट होता है जो कि ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक्स में उगाया जाता है, क्योंकि इसे वार्म क्लाइमेट पसंद है। इसका शेप आप देख करके वैसे भी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों इसे बॉटल पाम कहा जाता है। हालांकि ये एक छोटा सा प्लांट है। रॉयल पाम जब अपनी हाइट पूरी अचीव कर लेता है तो 50-80 फीट तक टॉल हो जाता है ये। और इसकी जो लीव्स हैं वो दोनों तरफ लगभग जो है वो 13 फीट तक चले जाती हैं। इसीलिए इसका आइडियल अगर प्लांटिंग डिस्टेंस अगर हम देखें तो वो 20 फीट होता है। मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे का जो डिस्टेंस है वो 20 फीट होना चाहिए। इस पौधे की एक और ख़ास बात है कि ये सेल्फ क्लीनिंग होता है, जिसका मतलब है कि हमें ना इसकी पत्तियाँ काटना है, ना ट्रिम करना है, ना हमें उसे निकालना है। ये अपने आप जब पत्तियाँ सूख जाती हैं तो उन्हें अपने पौधे से अलग कर देता है। हम अगर इनकी हरी पत्तियों को काटते हैं तो कई बार फंगल इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है, इसलिए इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अगली बात यह है कि रॉयल पाम जो है वो डिमांड करता है फुल सन और हॉट सन। इसमें आप प्रॉपर वाटरिंग करते रहिए और इसे पूरी धूप में लगा दीजिए, ये बिल्कुल ही अच्छा चलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से इसको शिफ्ट कर सकते हैं। आप जैसा कि देख ही रहे होंगे वीडियो में कि हमने इसकी जड़ जितनी हो सके बचाने की कोशिश की है। हम इसको नीचे से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अब हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा पेड़ और इसकी बहुत सारी रूट्स बची हुई हैं। कुछ रूट्स डैमेज हुई होंगी डेफिनेटली, बट ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रूट बची हुई हैं। हमने इसे नीचे से निकालने की पूरी कोशिश की है और फाइनली अब ये अच्छे से निकल गया है। अब हम इसे जहाँ पर इसे लगाना है वहाँ पर ले करके जा रहे हैं। मेरा मेन मकसद था कि मैं रॉयल पाम की जो है आपको रूट्स दिखाना चाहता था कि ये रूट्स नीचे नहीं जाती हैं, साइड साइड में ज़्यादा जाती हैं। तो इसको शिफ्ट करने का जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो यही है। पहले से ही हमने जो यहाँ पर पिट खोद के रखा है। इस पिट को बहुत ज़्यादा गहरा खोदने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसका रूट सिस्टम जो है वो जितना है उसी के हिसाब से हमने जो है गड्ढा यहाँ पर तैयार करके रखा था। हम यहाँ बॉटम में लूज सॉइल को डाल रहे हैं जो थोड़ी सैंडी है। आप चाहें तो मिक्सचर भी बना सकते हैं, गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, और थोड़ी सी सैंड भी मिला करके डाल सकते हैं। वैसे ये जो प्लांट है ये सभी तरह की मिट्टियों में अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। बस वहाँ पर पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर कहीं से भी पानी आ करके बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। हम जो पानी डालें पौधे में उतना पानी, उसके अलावा पूरे टाइम अगर यहाँ पर पानी भरा रहेगा तो डेफिनेटली इसकी रूट जो है वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटर डिमांड करने वाले प्लांट नहीं होते हैं। आपको ये कोशिश करना है कि इसके जो टॉप वाला पार्ट है वो जस्ट सरफेस पे रहे, मतलब लैंड के साथ, मतलब ये ज़मीन से बिल्कुल बराबर हो, और इसकी जो जड़ें हैं वो जस्ट ज़मीन के नीचे हों। इसे बहुत ज़्यादा डीप जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा गहरा लगाएंगे तो वहाँ से इसमें फंगल इन्फेक्शन होने का पूरा चांस रहता है, और एक बड़ा सा बड़ा पेड़ भी जो है उसके बाद सूखने के कगार पे आ जाता है। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप इसमें जब मिट्टी डालें तो जो नीचे में इसकी गांठ दिख रही है आपको, वो गांठ ज़मीन से जस्ट लेवल पर होनी चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 इंच आप उसको नीचे कर सकते हैं। पौधे को सीधा रखने के लिए आप बगल बगल से मिट्टी जो है दबाते जाइए, तो आपको अलग से कोई सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें इतनी रूट है ये अपने आप इसको सपोर्ट जो है वो ले लेगा। मैंने बॉटल पाम पे और भी वीडियो बनाए हैं जो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इसे आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ कि ये है रॉयल पाम, और ये बहुत ही सुंदर पाम होता है। इसे आप कतार से कतार लगा सकते हैं, लैंडस्केपिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड में भी रहता है। आपने इसे बहुत जगह देखा भी होगा, इसीलिए मेरे चैनल पे इस पर बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो
वापस आते हैं अपने वीडियो पे, तो देखिए ये जो है हम इसमें चारों तरफ क्या कर रहे हैं, जो ये ख़राब सॉइल है इसको हम हटा रहे हैं और चारों तरफ से एक गोल सा घेरा बना रहे हैं, ताकि इसमें हम अगर खाद और पानी डालें तो वो इसके चारों तरफ जो है वो फैल जाए और चारों तरफ इसकी रूट को भी न्यूट्रिशन मिले। तो फाइनली अब इसमें हमने क्या किया कि रूट को दबाने के बाद हमने इस पर गोबर की सड़ी हुई खाद जो है वो अच्छे से डाल दी है। इतना वीडियो बनाने के बाद मुझे कहीं जाना पड़ गया था, तो मैं थोड़ा देर से आया, फिर भी मैंने शूटिंग कर ली। लास्ट स्टेप था इसको अच्छे से पानी दे देना, पानी देने के बाद इसके बगल बगल में अच्छे से मिट्टी को प्रेस कर देना ताकि कोई भी इसमें हवा जो है वो रुके ना। तो इस तरह से हम इस बॉटल पाम या रॉयल पाम के प्लांट को अच्छे तरीके से शिफ्ट कर पाए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, मैंने बहुत सारी जानकारी दी है, इसके अलावा बहुत सारे और वीडियो जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। धन्यवाद।